मिस्टर इंडियन हैकर। और भाई मिस्टर इंडियन हैकर को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, क्योंकि उनके पास 31 मिलियन सब्सक्राइबर है यूट्यूब फैमिली के, और काफ़ी शॉर्ट्स वीडियो पे अलग अलग 3 चैनल हैं उनके। और भाई उन्होंने जो काम किया ना, वो अपने उस लेवल पे तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी अपने से हो सकता है अपन उतना करते हैं। तो भाई अभी मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी, मतलब 4-5 दिन पहले, और मैं पहले गर्मी से पहले भी सोच रहा था कि भाई पक्षियों के लिए कुछ किया जाए। अब मिस्टर इंडियन हैकर दिलराज भाई जितना तो अपन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी है उनको देख के वीडियो को मोटिवेट हुए हैं अपन, तो भाई कुछ पक्षियों के लिए अपन भी करते हैं, और आप भी भाई जरूर से, गर्मी है भयंकर, आज गर्मी बहुत तेज थी, तो भाई पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था बनाते हैं अपन। और दोस्तों भाई मनराज शॉर्ट्स यूट्यूब पे चैनल है दीदी का, भाई वो उन्होंने कमेंट किया था पिछली वीडियो पे कि भैया आपने ना नैनो के लिए महालक्ष्मी जी की और गणेश जी की जो लेके आए थे ना अपन टाटा नैनो के अंदर मूर्ति रखने के लिए, तो भाई वो तो आपने रखी नहीं, तो भाई हम आपको दिखाते हैं दीदी कि ये देखो ये अपनी टाटा नैनो और इसके अंदर अपन ने इस जगह ये रखा है। अभी ये एक ट्रैम्प ली है क्योंकि इसके अंदर जो डबल टेप है ना, डबल टेप नहीं है तो मैंने इसलिए नहीं रखा, बाकी आपको रख के दिखा देते हैं, बाकी ये जगह सही है या फिर ये जगह सही है, बाकी यहाँ पे भी अच्छा लग रहा, कमेंट करके बताना यहाँ रखें या फिर इस जगह। अब इसके अंदर क्या है, डबल टेप लगानी पड़ेगी तभी जाके ये रुकेगा। तो बाकी अपन चलते हैं, वो अपनी मेस्ट्रो, बाकी अपन चलते हैं अपनी मेस्ट्रो से फटाफट से। चाबी कहाँ भाई इसकी चाबी? तो भाई चाबी लगाते हैं और अपन लेके आते हैं मिट्टी के बर्तन। ये चला रहा हमारा अरुण हीरो मेस्ट्रो, और वही है ना, कभी भी मैं जाता हूँ तो ये पहले तैयार रहता है, क्योंकि देखता रहे यार चाचा के साथ जाएंगे तो भाई गाड़ी चलाने को मिलेगी। क्यों अरुण बड़ा बहुत होशियार है, कहीं जाना हो ना तो तुरंत अरुण तैयार हो जाता है फटाफट से भाई, आराम से देख है ना, क्योंकि उसको ध्यान है ना कि गाड़ी तो चलानी पक्की है आज, और राम प्यारी के लिए नहीं बोलेगा, ऐसा बोलेगा यार मेस्ट्रो ले चलते चाचा, क्यों मेस्ट्रो चलाने में ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि रेस की है ना, गेयर नहीं इसमें भाई, लेकिन अपन को तो गेयर वाली में ज्यादा बढ़िया लगता है बस। अरे यार ये किधर आ गए, घंटी बजा भाई, और ये हम आ चुके भाई हमारे कुल्हड़ लेने के लिए। और दोस्तों भाई अपन ने 1 2 3 4 5 6 6 कुल्हड़ लिए पानी पीने के लिए पक्षियों के लिए। और दोस्तों भाई पहले जहाँ गए थे ना अपन कुमारी के, तो भाई वहाँ तो अपन को मिला नहीं बड़ी साइज का था, तो और उसके पास भी एक ही था, अपनों को चाहिए पानी के लिए बहुत सारे, तो ज़्यादा भी नहीं, लेकिन अपन 6 लेके आए, और 6 को कहाँ कहाँ रखेंगे, इनको भरेंगे, एक तो यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे, एक वहाँ पर रखेंगे देखो है ना ऊपर में, ताकि पक्षियों को अच्छे से पानी पीने के लिए मिलता रहे, और 3 रखेंगे अपने वहाँ पर उस वाले घर के ऊपर छत पर, क्यों ताकि ये ज्यादा से ज्यादा पानी रहे और पीते रहे। और मिट्टी के क्यों लेके आए अपन, क्योंकि मिट्टी में है ना भाई, इसमें पानी थोड़ा ठंडा रहेगा, पानी ठंडा रहेगा, और भाई दिलराज भाई नाम से नहीं भाई, दिल से भी दिलराज है, दिलदार है, और भाई वो है अजमेर के और अपन है जयपुर के, और अजमेर हमारा ननिहाल है भाई, तो उनसे भी कभी ना कभी मिलेंगे, बहुत मन होता है उनसे मिलने के लिए, लेकिन वही अपना काम काज, अपने घर गृहस्थी भी अलग, कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं अपन, तो भाई फटाफट से पानी भरते हैं और फिर इनके लिए रखते हैं। और भाई आप भी है ना गर्मी के अंदर भाई पक्षियों के लिए है ना जरूर से जरूर, इतने नहीं एक एक घर में एक एक व्यक्ति एक एक रख सकता है, मतलब एक घर में से एक व्यक्ति भी अगर छत पे है ना ऐसे पानी भर के रखेगा ना, तो भाई पक्षियों को ना बहुत राहत मिलेगी पानी पीने के लिए, क्योंकि आपको ध्यान है भाई गर्मी कितनी तेज हो चुकी है, तो इन्हें भरते हैं और फिर रखते हैं। और दोस्तों भाई इनको भर देते थे अपन अच्छे से है ना, और भाई इन्हें पहले भर देते हैं, कस लगाया
ये भाई मिट्टी के लेके आए हैं ताकि इसमें पानी ठंडा रहे और है ना भाई, इन्हें अपन ऐसी मतलब पेड़ पे नहीं टाकेंगे भाई, क्योंकि अपने आसपास में पेड़ है नहीं, और भाई पेड़ के लिए नर्सरी में दूर जाना पड़ेगा, और वहाँ अगर इनको टाक के आते हैं ना अपन, सुराग तो मैं निकाल के टाक आऊँगा, लेकिन भाई मेन जिम्मेदारी इसमें डेली पानी डालना। अगर ये खाली रहेगा, पक्षी आएगा बड़ी उम्मीद करके, पक्षी आएगा इस पर बैठेगा और उसको पानी नहीं मिलेगा ना, तो भाई उसकी है ना जो पक्षी की आत्मा वो अपने को गाली देगी। तो इसलिए अपने ना इसे वहाँ नहीं लगा के आएंगे, क्योंकि आपका भाई कहीं ना कहीं जाते रहते हैं और भाई घूमने के भी लिए चल जाते हैं, और कोई पानी नहीं डाला इसके अंदर खाली मिला तो भाई पक्षी है ना बड़ी उम्मीद लेके आएगा और अपने को गाली देगा। इसलिए अपने इसको ऐसी जगह रखेंगे जहाँ अपन डेली इसमें पानी डाल सकें। अपन नहीं डालेंगे तो अपने घर के बच्चे डाल देंगे, बड़े डाल देंगे, कोई भी पानी डालता रहेगा और पक्षी को पानी बराबर मिलता रहेगा। तो भाई एक तो यहाँ रखते हैं अपन, दो यहाँ रखेंगे, सीधा रखते हैं ना, उतर अच्छा हो रहा है। हाँ इसी के ऊपर तो बैठेंगे आगे। तो दोस्तों दो तो अपन ने इस पिलर पे रख दिए और एक रखते हैं भाई यहाँ पे। अभी अपने हाथ आएगा नहीं आएगा, ऊपर चढ़ना पड़ेगा शायद, आ जाएगा। और दोस्तों भाई यहाँ पे क्या पानी अपन डेली भर सकते हैं, पक्षी है ना अच्छे से पानी पियेंगे भाई, गर्मी काफी है। तो होप करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अच्छी लगी तो भाई क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे मत समझना भाई कि मैं ये ढोंग कर रहा हूँ, नाटक कर रहा हूँ ऐसे। मैं अगर जैसे अभी मैं मोटिवेट हो गया, मैंने पानी पक्षी के लिए रखा, वैसे तो अपने घर में रख ही देते हैं कोई ना कोई, जैसे अपने छोटे बच्चे अपने उस वहाँ पे छत पे जो लोहे का बर्तन होता है ना उसके अंदर रख देते, तो मैंने देखा यार लोहे के बर्तन में क्या पानी गर्म हो जाता है, तो इसलिए मिट्टी के लेके आए। और भाई आप भी है ना जरूर से हाथ जोड़ के विनती है, हर घर में से एक व्यक्ति ऐसे कुल्हड़ रख के पानी जरूर से पिलाए पक्षी के लिए। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। तो ठीक है भाई, जय श्री राम।